एवरीवन, मैं डोरिस और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ डोरिस व्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टी लाइट कैंडल का प्रोसेस अपने यूट्यूब चैनल में डोरिस व्लॉग्स में। तो क्योंकि मैं कस्टमर का ऑर्डर पूरा कर रही हूँ तो सोची कि आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। तो मैं जो बना रही हूँ टी लाइट कैंडल, तो मैं किस टाइप से बनाती हूँ टी लाइट का कैंडल, तो आप लोग के साथ मैं वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल डोरिस व्लॉग्स में। और हाँ गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। बेल आइकन के घंटी को भी दबाइए ताकि इसी प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पे आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टी लाइट कैंडल का प्रोसेस। हे गाइस, तो चलिए फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ टी लाइट कैंडल का प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए, मैं टी लाइट कैंडल का मोल्ड यहाँ पे ली हूँ, छोटा सा मोल्ड। और ये टी लाइट कैंडल का जो बड़े बड़े मशीनें भी होते हैं आते हैं, बट मेरे पास ये छोटा वाला ही है। छोटा से मोल्ड से ही मैं स्टार्ट की हूँ। तो बड़े वाले मशीनों में जो ऑटोमेटिक मशीन होते हैं उसमें कम से कम एक ही बार में 300, 400, 500 मैंने साइज़ के अनुसार बन जाते हैं। तो मैं अभी छोटा से स्टार्ट की हूँ, तो मेरे पास इस टाइप से है, कई सेट है इस टाइप से टी लाइट कैंडल का मोल्ड। तो मैं टी लाइट कैंडल का मोल्ड के ऊपर इस टाइप से ऑयल अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि फिर कैंडल अच्छा से निकल जाएगा, चिपकेगा नहीं। तो देखिए, मैंने इस टाइप से कोकोनट ऑयल लिया है, तो आप चाहे जो भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से मैं इसका अंदर में ये वाला ब्रश के माध्यम से इस टाइप से मैं लगा ले रही हूँ। हाँ गाइस, इसको ना आप लोग जब भी ऑयल लगाइए तो कुछ सूती कपड़ा या इस टाइप से सॉफ्ट वाला ब्रश से आप यूज़ मैंने तेल लगाना है, क्योंकि हार्ड वाला लेने से ना फिर इसमें स्क्रैच आ जाएगा, फिर वो कैंडल का शेप फिर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए उसमें हमेशा सॉफ्ट कपड़ा का ही यूज़ करें। कस्टमर का जितना भी ऑर्डर था तो मैंने ऑर्डर पूरा कर लिया है, तो मैं बना के रेडी कर ली हूँ उसको। तो यहाँ पे देखिए, इस टाइप से जो भी थोड़ा वैक्स बच गया था बर्तन में, तो मैं उसको अपने डेली यूज के लिए बना लूँगी, घर में प्रार्थना में जलाऊँगी। तो इस टाइप से, क्योंकि बर्तन में थोड़ा सा बच जाए फिर उसको ढक के नहीं रखने से फिर मैंने गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको पिघला के बना ही लेती हूँ, अपने घर में डेली यूज़ प्रार्थना में जलाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं बहुत ज़्यादा गर्म नहीं डाल रही हूँ। तो पहले भी मैं आपको प्रोसेस दिखा चुकी हूँ कि मैं कैंडल किस टाइप से पिघलाती हूँ, तो इसलिए मैं इस वाले वीडियो में आप लोग को नहीं दिखा रही हूँ। तो सेम प्रोसेस में आप लोग को कर लेना है, धीमी आँच में ही इसको, मैंने बहुत ज़्यादा आँच में नहीं करना है, क्योंकि मैंने छोटा बर्तन लेने से आप गैस को मैंने लो फ्लेम में रखी है, थोड़ा धीमी आँच में, नहीं तो फिर आग भी लगने का डर होता है। तो जब बड़ा बर्तन होने से ऐसे भी ये सब का काम तो केयरफुली ही करना पड़ता है, तो केयरफुली ही करना है। तो यहाँ पे देखिए, इस टाइप से मैं घर के लिए बना रही हूँ, तो आप लोग के साथ भी शेयर कर ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए, मेरा कैंडल बनके रेडी हो गया है। तो इसके ऊपर जो भी स्टेप्स लगा रहता है, तो आपको इसको चाकू की मदद से स्टेप से निकाल लेना है, काट लेना है। तो देखिए, मैं स्टेप से इसके ऊपर में जो भी चिपका हुआ है तो इसको मैं स्टेप से निकाल ले रही हूँ। ये कैंडल मेकिंग का बिजनेस में ना आपको मैंने लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इसमें देखिए वैक्स है, तो ये मैंने वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये देखिए ये बिगड़ भी जाएगा ना, तो आप इसको फिर से मैंने बना सकते हैं, फिर से गला लीजिए, फिर से बनाइए, तो ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। हाँ, आप जब पिलर कैंडल बनाते हैं तो उसमें अब मैंने कैंडल टूट जाए या कुछ धागा इधर उधर हो जाए तो आपको उसको फिर से बनाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा धागा वेस्ट होता है और थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है, बाकी बात उस टाइप से इसमें वेस्ट नहीं होता है कुछ भी सामान का। तो देखिए, मेरा इस टाइप से कैंडल बन के रेडी हो गया है टी लाइट कैंडल, तो इस टाइप से निकल जाता है इजी वे में। देखिए, तो इसमें ऑयल लगा दी हो ना तो बिल्कुल भी नहीं चिपका, हालांकि ज़्यादातर ये वाला में उतना दिक्कत नहीं होता है बनाने के लिए, बट ज़्यादा कभी गर्म डालने से ये चिपक जाता है, तो इसको बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं डालना है, उतरने के बाद थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद ही इसको डालिए। मैं इतना कैंडल बनाती हूँ ना गाइस, तो मुझको पर्सनली वाइट कलर इतना पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझको वाइट कलर बनाने में भी, बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। तो यहाँ पे देखिए, मैं बहुत मैंने कलर हर टाइप का कलर बनाती हूँ, बट मेरा फेवरेट कलर है, मेरा फेवरेट कलर है वाइट, तो इसलिए मैं वाइट जब भी बनाती हूँ घर के लिए तो वाइट ही बनाती हूँ ज़्यादातर। तो देखिए, इस टाइप से बन के रेडी हो गया है, तो इस टाइप से खोल लेना है आपको घुमा के, तो इसमें छेदा आराम से होगा। देखिए, इस टाइप से घुमाने से वहाँ पे, क्योंकि धागा घुसाने में फिर आपको आसानी हो जाएगा। तो मैं तो ये बिजनेस को करके ना बहुत ही अपने आप को मैंने आत्मविश्वास बढ़ गया मेरा, सच बताऊँ तो।
तो जो भी मेरी तरह बिजनेस करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं इस टाइप से छोटा मोटा इन्वेस्ट करके। तो मैं बोली ना आप लोगों की बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है, ज़्यादा इसमें लॉस नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा ही इन्वेस्ट करके आप इसमें आराम से ये बिज़नेस को कर सकते हैं पार्ट टाइम, जो मेरी तरह हाउस वाइफ है जो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए वाइट कलर काफ़ी अच्छा लगता है, तो देखिए इस टाइप से बन के काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। तो ये कलर वाइट सब टाइप से बन जाता है, बट अभी मुझको वाइट बॉर्डर है तो मैं वाइट कलर ही बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने दोबारा डाल दिया है, थोड़ा सा बच गया था फिर से, तो उसमें मैंने फिर से वैक्स मैंने डाल के मिक्स करके फिर गर्म करके यहाँ पे डाल दिया है। तो ये मेरा कम से कम 15 दिन 20 दिन आराम से चल जाएगा डेली यूज के लिए, प्रार्थना के लिए। यहाँ पे देखिए अभी धागा डाल देना है इसके अंदर में, कैंडल का अंदर में, और टी लाइट का हमेशा प्रोसेस ऐसे ही होता है कि बाद में डाला जाता है। तो इस टाइप से देखिए, और टी लाइट का धागा भी इस टाइप से होता है विक्स के साथ। तो इस टाइप से बाटी में इसको इस टाइप से डाल देना है, देखिए। और हाँ गाइस, ये ना खाली दीपावली सीजन में नहीं, बल्कि मुझको मेरे पास अभी हमेशा ही कस्टमर है इसका। जैसे कि अभी ऑफ सीजन में भी ये वाइट कलर का ऑर्डर है मेरे पास, और हमेशा ये कुछ ना कुछ ओकेजन सब में, बर्थडे, किसी का शादी, तो कोई नया घर में प्रवेश कर रहे हैं तो उस टाइम भी ये कैंडल का ऑर्डर होता है। और मैंने हर टाइम में कभी कोई रेड कलर ही मांग लिया, तो कभी कोई येलो, तो उस टाइप से अपना अपना मैंने चॉइस के हिसाब से कलर मांगते हैं। तो ये इससे बात नहीं है कि खाली ये दीपावली में चलता है, ये अभी मेरे पास ना हमेशा ही ऑर्डर आता है, बीच बीच में मुझको बना के रखना ही पड़ता है। इसलिए कभी मैंने हर टाइप से कस्टमर है तो मुझको कभी भी कोई ऑर्डर कर सकता है, तो मैं इसलिए बना के हमेशा रखती हूँ। देखिए इस कैंडल के अंदर में एक एक करके इस टाइप से धागा को मैं डाल दे रही हूँ। मैं जब से ये बिज़नेस कर रही हूँ ना, तो मेरे ऊपर अलग ही एक आत्मविश्वास जग गया है, क्योंकि मैं अब घर में बैठे बैठे क्या करूँ, जैसे लग रहा था बेटी होने के बाद बाहर जाके काम कर नहीं कर पा रही थी। तो ये बिज़नेस स्टार्ट की हूँ तो मुझको काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने खाली टाइम में इसे वेस्ट नहीं जाता है मेरा, तो सब मैंने टाइम का अच्छा से यूज़ हो जाता है मेरा आजकल। जो भी मेरी तरह जो घर में रह के कुछ करना चाहते हैं तो ये बिज़नेस को भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना वेस्ट ज़्यादा नहीं है, इसमें लॉस भी ज़्यादा नहीं होता है। तो अब मैंने करने से छोटा सा भी इन्वेस्ट करके थोड़ा इन्वेस्ट में भी आप इसको इस टाइप से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास ना अभी जो कि मैं तो चर्च में हमेशा ये स्टॉल लगाती हूँ, तो और हम लोग का चर्च का फैमिली लोग हमेशा मैंने मेरे से कैंडल लेते हैं, और हम लोग का क्रिश्चियन लोग ज़्यादातर शाम का वक्त में कैंडल ही जलाते हैं। तो मेरा कस्टमर ये टी लाइट का भी काफ़ी कस्टमर हो गया है, जो कि मैंने मंथली फिक्स से मेरे से लेते हैं इस टाइप से कैंडल, टी लाइट का कैंडल। तो मुझको वो लोग को भी जैसे कलर मांगते हैं तो मैं उस टाइप से बना के देती हूँ। तो देखिए ये बनके रेडी हो गया है। तो ये धागा को ना मुझको इस टाइप से दबा देना है, क्योंकि जब पैकेटिंग करते हैं ना तो इसके ऊपर प्लास्टिक भी डालते हैं, तो फिर ये उठ जाएगा, फिर मैंने अच्छा नहीं दिखता है। तो इस टाइप से कर दीजिए, और जो भी मैंने लेके जलाएंगे तो ऑब्वियसली उठा के ही जलाएंगे, तो इस टाइप से करके। तो ये हालांकि इस टाइप से पैकेट हम लोग घर में भी बनाते हैं टी लाइट जैसे ही, हम लोग दूसरा कैंडल का ये पैकेट है, क्योंकि ये टी लाइट के लिए इससे थोड़ा साइज़ छोटा आता है। तो अभी मैं गंदा हो जाएगा बोल के इसमें भर के रख दे रही हूँ। तो ये पैकेटिंग भी हम लोग खुद घर से ही हाथ से बनाते हैं। हे गाइस, तो आई होप आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, बेल आइकन के घंटी को भी दबाइए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोग मेरे चैनल में देख पाएंगे। तो फिर से मैं कोई कैंडल का वीडियो लेके आऊँगी आप लोग के साथ, हफ्ते में एक बार से शेयर करूँगी। और जो भी पूछना रहेगा कॉमेंट बॉक्स में पूछिए, तो मैं आंसर जरूर से कर दूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।